आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। गुरु प्रसाद मदन जी के पिताजी श्री भिक्कूलाल जी और स्वामी अच्युतानंद जी की एक चर्चित जोड़ी थी। मदन जी के पास स्वामी अच्युतानंद के आंदोलन की अथाह जानकारी है, आइए दिखाती हूँ। आज एक ऐसे ऐतिहासिक पत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यह पत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी अच्युतानंद जी को 1932 में लिखा था। उस पत्र में बाबा साहब ने किस प्रकार लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्वामी जी से अनेक प्रणाम। आपका तारीख 26/2/32 का पत्र मुझको कल यहाँ पर मिला। उसके पहले आपकी तार भी मिल चुकी थी। आप लोग दिल्ली जाकर जो कार्य किए हैं उस पर मुझको बहुत ही आनंद है। हमारे नेताओं की नीति इस वक्त बिगड़ी हुई है, इस वास्ते हम लोगों ने हमारी नीति को अचल रखना चाहिए। अगर 2 महीने के अरसे में हम लोग हमारा मत अचल ना रख सकते हैं तो हमारे शब्दों पर कोई इतबार ना करेगा। राजा गवई का समाचार हम लोग ले सकते हैं। इस वास्ते हम लोगों को एक बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ठिकाना और मुकर्रर करनी है। आप इटावा कहे थे मगर मद्रास भाइयों को बहुत लंबा होता है, इस वास्ते कोई मध्यम जगह ढूंढ निकाला चाहिए। इसकी कोशिश में मैं हूँ। आपका कृपा अभिलाषी भीमराव अंबेडकर। यह पत्र स्वामी अच्युतानंद जी हरिहर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मद्रास से लिखा था, जिस पत्र का जिक्र किया हूँ। और इसके पहले भी एक पत्र अंग्रेजी में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वामी जी को लिखा था। इन दोनों पत्रों की छाया प्रति स्वामी जी के जो सबसे छोटे दामाद श्री बाबू मंगल सिंह जाटव, जो मध्य प्रदेश में बाद में अपने सामाजिक कार्य करने के लिए आदि हिंदू आंदोलन को चलाते हुए भी जब उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किया तो मध्य प्रदेश में वो मंत्री के पद तक रहे, और ये दोनों पत्र मुझे उनके दामाद से प्राप्त हुआ है। वो बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे और बहुत ही मिलनसार थे। जो बात स्वामी जी ने जाके दिल्ली में किया उसके ऊपर आनंद का जो अनुभव बाबा साहब ने प्रदर्शित किया है, जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टेड की मांग कर रहे थे और अपना बहुत ही प्रसिद्ध आर्गुमेंट उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने पृथक निर्वाचन दलितों के लिए यानी अछूतों के लिए इसकी मांग की थी। गांधी जी ने ज्वाइंट इलेक्टेड यानी संयुक्त निर्वाचन पद्धति के लिए आप मांग कर रहे थे और बाबा साहब के इस पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रहे थे। इस पे सारे देश के जो दलित नेता लोग थे वो एक मत थे। मद्रास के उस वक्त डॉक्टर M.C. राजा लोकप्रिय दलित नेता थे, उनके बीच में और हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे के बीच में एक समझौता हो गया, और वो समझौता इस बात का हुआ कि संयुक्त निर्वाचन की बात उन्होंने स्वीकार कर ली राजा जी ने। मिस्टर राजा जी ने और मिस्टर मुंजे ने दोनों ने मिलकर के दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया, जिसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पत्र के पहले स्वामी जी को एक पत्र लिखा था कि आपको वहाँ जाना चाहिए। स्वामी जी इस आशय को समझ गए और उन्होंने अपने आदि हिंदू आंदोलन के सिपाहियों को यानी अपने अनुयायियों को और सारे देश भर के जितने भी उनकी यूनिट्स थीं, इकाइयां थीं, उनके लोगों को वहां पहुंचने के लिए कहा।
देखते देखते सभा स्थल पृथक निर्वाचन के मांग करने वाले आधे हिंदू आंदोलनकारियों से भर गया और उन लोगों ने बहुत जोरदारों के नारे लगाए और यहाँ तक हुआ कि उस सम्मेलन में संयुक्त निर्वाचन पद्धति के सम्मेलन को पृथक निर्वाचन पद्धति का सम्मेलन हो गया और राजा और मुंजे वहाँ से चले गए। इस बात को तत्कालीन अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा। इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता चला तो उन्होंने यह पत्र जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया इस पर किया। इस पत्र के माध्यम से दो चीज़ें बहुत स्पष्ट होती हैं कि एक तो पहला, बाबा साहब अम्बेडकर स्वामी अच्युतानंद जी के मध्य कितने मधुर संबंध थे, आंतरिक संबंध थे और एक दूसरे की वैचारिकी, एक दूसरे की समानता थी, ये बात स्पष्ट होती है। दूसरी बात ये भी स्पष्ट होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर स्वामी अच्युतानंद जी के कार्यकलाप या उन पर कितना विश्वास करते थे। आप अगर स्वामी जी का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का ये है और उधर तिलक का स्वराज्य का आंदोलन और इधर स्वामी जी ने जो मुल्की हक बंटवारा का आंदोलन आधे हिंदू आंदोलन के साथ जो मांग की थी उस सब वो बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्ण स्वतंत्रता का एक आशय था। आधे हिंदू आंदोलन का जब सूत्र पात्र स्वामी अच्युतानंद जी ने किया तो वो पूरे देश में है। अक्सर ये कहा जाता है कि स्वामी अच्युतानंद जी का ये आंदोलन जो आधे हिंदू आंदोलन है वो क्षेत्रीय आंदोलन था, एक छोटे से सीमित दायरे के अंदर था, कानपुर या दिल्ली के थोड़े से इलाके में था, ऐसा नहीं है। आधे हिंदू आंदोलन जो था उसके व्यापकता को अगर आप समझें तो मैं आपके सामने एक जो रिपोर्ट छपी थी 1930 में उसमें आपको स्पष्ट रूप से जाहिर होगा कि इसकी व्यापकता संपूर्ण भारत में थी। आधे हिंदू आंदोलन का कार्य चल रहा था और स्वामी जी के नेतृत्व में चल रहा था। स्वामी जी ही इस आधे हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक थे और 1930 की जो इलाहाबाद की रिपोर्ट छपी है उस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, ये 8वीं कॉन्फ्रेंस थी और इसके पहले जो कॉन्फ्रेंसेस हो पाई थी आधे हिंदू कॉन्फ्रेंस की मैं उनका जिक्र करूंगा। पहला दिल्ली, दूसरी बंबई, तीसरी हैदराबाद, चौथा नागपुर, पांचवा इलाहाबाद, छठा मद्रास, सातवां अमरावती, आठवां इलाहाबाद। इसके अलावा भी एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस, तीन स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में और हुई थी। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि 15 प्रांतीय सम्मेलन हो चुके हैं, 9 वार्षिक प्रांतीय सम्मेलन अलग हो चुके हैं, 8 जो हैं स्पेशल सम्मेलन हो चुके हैं और 208 जिला व तहसील सम्मेलन हो चुके हैं। ये पूरे देश भर के आंकड़े थे 1930 में। 1933 तक स्वामी अच्युतानंद जीवित रहे और इस 30 से 33 के बीच में भी ये बहुत ही पूरे देश में छाया हुआ था, इसलिए ये कहा जाना कि स्वामी अच्युतानंद जी का आधे हिंदू आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था या बहुत ही सीमित दायरे के अंदर था ये गलत था। जहाँ तक क्षेत्र के संबंध में है, यानी ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर हम ये जो कहते हैं तो ये संपूर्ण भारत में था और इसके लिए मैं आपको अगर ये बात कहूँ कि उसमें जो 1927 और 1930 में इलाहाबाद में जो कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया हुई उसमें जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया उन प्रतिनिधियों के मैं यदि आप बताऊँ तो कलकत्ता, रावलपिंडी, लाहौर, मद्रास, हैदराबाद, सीपी बरार, अमरावती, छत्तीसगढ़, यानी इतने अल्मोड़ा, ऐसा देखने से ये प्रतीत होता है कि उनके जो प्रतिनिधि लोग थे वो इतने बड़े क्षेत्रों से आते थे और ये सारा का सारा
संपूर्ण भारतवर्ष इसमें समाया हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के साथ ही जो उनको सहयोग करने का काम, या उत्तर भारत में जैसा ये आपको मानना पड़ेगा कि उत्तर भारत में आम्बेडकरी आंदोलन की जो आधार पीठिका है वो स्वामी अच्युतानंद जी का आध हिंदू आंदोलन ही है। और इस अगर आध हिंदू आंदोलन यहाँ पे नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन या आम्बेडकरी आंदोलन यहाँ पे बहुत देर में आता, ऐसा मेरी मान्यता है। हिंदू आंदोलन कई क्षेत्रों पे सक्रिय था, काशन के क्षेत्र में था, समाचार पत्रों के क्षेत्र में था। स्वामी अच्युतानंद जी पहले दलित कवि होने के साथ साथ पहले हिंदी के दलित पत्रकार भी है, पहले दलित प्रकाशक भी है और पहले दलित प्रेस लगाने वाले भी है। और ये इतना बड़ा आंदोलन एक व्यक्ति ने खड़ा किया और जिसका ज्ञान जो था या जिसका अध्ययन जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का था, ऐसे स्वामी अच्युतानंद जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो संबंध थे वो इस पत्र से स्पष्ट होता है। जय भीम। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।